हेलो गाइज, यदि अर्थ स्पिन करना बंद कर दे तो क्या होगा? आपको यह पता होगा कि अर्थ अपने एक्सिस पर घूमती है, लेकिन क्या होगा जब अर्थ स्पिन करना बंद कर देगी? पृथ्वी के स्पिन करने के कारण ही दिन रात होती है। यदि पृथ्वी स्पिन करना बंद कर देगी तो दिन रात पर इसका असर पड़ेगा। सूर्य की तरफ वाले हिस्से पर दिन रहेगा और दूसरी तरफ रात रहेगी। दूसरा भयानक असर, इक्वेटर पर अर्थ की रोटेशन की स्पीड 1770 किलोमीटर प्रति आवर होती है, जबकि ध्रुवों पर 0 किलोमीटर प्रति आवर होती है। यदि अर्थ रुक जाएगी तो इक्वेटर पर मौजूद एयर, वाटर और चट्टाने घूमती रहेंगी और सतह उखड़ने लगेगी और फिर स्पेस में जाने लगेंगी। ये टुकड़े घूमने लगेंगे और अर्थ इन्हें अपनी तरफ खींचेगी और इन घूम रही चीज़ों से ऊर्जा निकलेगी और यह गर्म हो जाएंगे और पृथ्वी पर बरसेंगे। पृथ्वी का सारा पानी सूख जाएगा। ये यूनिवर्स जैसा हम आज देखते हैं पहले ऐसा नहीं था। आज जितने भी पार्टिकल्स एटम्स हैं वे सभी बिग बैंग से आए हैं। हेलो गाइस, जानते हैं इस वीडियो में कि कैसे हमारी यूनिवर्स का जन्म हुआ है। आज से 13.7 बिलियन ईयर्स अगो शुरुआत में कुछ भी नहीं था, ना ही टाइम, ना ही स्पेस, लिटरली कुछ भी नहीं। शुरुआत में ये पूरा यूनिवर्स जो आज हम गैलेक्सी, स्टार्स, प्लैनेट जितने भी ये सभी देखते हैं, सब कुछ एक एटम जितने साइज में समाये हुए थे, जो बहुत ही डेंस और फोर्थ था। पर हमें कैसे पता चला कि ब्रह्मांड कभी एक एटम जितने स्थान पर था? एक्चुअली ये हमें हबल टेलीस्कोप के कारण पता चला। हबल टेलीस्कोप से हमें पता चला कि गैलेक्सी हमसे दूर जाती जा रही है, हमारा ब्रह्मांड एक्सपेंड कर रहा है। यदि यह फैला है तो कभी एक ऐसा टाइम भी होगा जब यह किसी एक छोटे स्थान पर केंद्रित होगा जहां से इसकी शुरुआत हुई है। हमें यह पूरी तरह नहीं पता कि हमारे यूनिवर्स का जन्म कैसे हुआ है। कहानी जब से शुरू होती है, जब हमारा ब्रह्मांड एक मार्बल जितना छोटा था, 1 सेकंड के बिलियन तो ट्रिलियन और ट्रिलियन सेकंड में इस स्पेस ने एक्सपेंड करना स्टार्ट कर दिया, वो भी लाइट की स्पीड से भी तेज। सेकंड के कुछ हिस्से बाद यह मार्स इतना बढ़ गया था, ये अब भी एक्सपेंड कर रहा था, परंतु अभी भी कोई मैटर नहीं था, सब कुछ एनर्जी की फॉर्म में था। बाद में यही एनर्जी मैटर में बदल गई, E=mc². आइंस्टाइन की इक्वेशन के अनुसार मास एनर्जी कन्वर्टेबल है एक दूसरे में। शुरुआत में दो तरह के मैटर बने, एक था मैटर, दूसरा था एंटी मैटर। जब भी एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में आते तो एक दूसरे को ख़त्म कर देते, परंतु मैटर शुरुआत में एंटी मैटर से ज़्यादा था। इसे आज जो सब कुछ आप देखते हैं ये इसी एक्स्ट्रा मैटर के कारण है। अब भी टेम्परेचर बहुत अधिक था, हमारे यूनिवर्स बहुत सारे सब एटॉमिक पार्टिकल्स से भरा हुआ था, वे एक दूसरे से टकरा रहे थे और एनर्जी रिलीज कर रहे थे। इतनी एनर्जी होने के कारण वे बॉन्ड नहीं बना पा रहे थे 1 सेकंड के मिलियंथ हिस्से में। अब हमारे यूनिवर्स ने एक एटम से एक सोलर सिस्टम के 8 गुना साइज तक ग्रो हो चुका था। धीरे धीरे यूनिवर्स ठंडा होने लग गया था, इसके कारण प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बाइंड करके ड्यूटेरियम, जो हाइड्रोजन का एक आइसोटोप है, को बनाना स्टार्ट कर दिया था। हाइड्रोजन का न्यूक्लियर बनना स्टार्ट हो गया था। अब भी इलेक्ट्रॉन मिसिंग था, अब भी इतना टेम्परेचर था कि इलेक्ट्रॉन बहुत तेज मूव कर रहे थे। 3,80,000 बाद अब यूनिवर्स मिल्की वे जितना एक्सपेंड हो चुका था और अब यूनिवर्स और भी कूल होने लग गया था, इसलिए इलेक्ट्रॉन की स्पीड कम हो गई थी। हम कुछ भी नहीं देख सकते थे, यूनिवर्स इस समय बहुत धुंधला था, लाइट इन फर्स्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन के कारण ट्रैप्ड हो चुकी थी। अब धीरे धीरे यूनिवर्स के एक्सपेंड होने के कारण इलेक्ट्रॉन की स्पीड स्लो होने लग गई थी। इनकी स्पीड स्लो होने के कारण प्रोटॉन ने इन्हें खींच लिया था और हाइड्रोजन और हीलियम का पूर्ण एटम बना दिया। पहले इलेक्ट्रॉन फर्स्ट मूविंग थी और हाइड्रोजन और हीलियम का केवल न्यूक्लियराइजेशन कर रहा था। अब लाइट ट्रैप्ड नहीं थी, इलेक्ट्रॉन की धुंध हट चुकी थी और हमारे टेलीविजन में जब सिग्नल नहीं होता और जो ये नॉइज होती है, इसका कुछ हिस्सा यूनिवर्स की 13 बिलियन ईयर्स अगो की साउंड है। अब तक हाइड्रोजन और हीलियम थे। 200 मिलियन साल बाद अब यूनिवर्स बहुत ठंडा हो चुका था, लगभग -367 डिग्री फ़ारेनहाइट, और गैसेज ने कंडेंस होना स्टार्ट कर दिया था और स्टार्स बनना आरंभ हो गए थे। यूनिवर्स में लाखों तारे बनना स्टार्ट हो गए थे। हमारे ब्रह्मांड का अंत कैसे होगा ये जानेंगे नेक्स्ट पार्ट में। धन्यवाद जो अब इस वीडियो को एंड तक देख रहे हैं। बाय।